हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस, अकेलेपन से कैसे बाहर है? क्या है ये अकेलापन? है कि अपने आसपास के लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको खोने का डर किसी भी फॉर्म में, चाहे उनसे सेपरेट होने का डर, उनसे अलग होने का डर, चाहे वो हार्ट एक के फॉर्म में हो, ब्रेकअप के फॉर्म में हो, डेथ के फॉर्म में या कोई भी फॉर्म हो सकता है, हमें डर लगता है कि कहीं वो हमारी ज़िंदगी से चले गए या अलग हो गए तो हमारा क्या होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अकेलापन एक्चुअली होता क्यों है, हमें क्यों डर लगता है कि वो हमें छोड़ के चले, क्यों डर लगता है कि उनसे सेपरेट होकर हम नहीं रह पाएंगे, क्यों। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि या तो हमारा सर्वाइवल उनके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर हमारी हैप्पीनेस उनके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर सर्वाइवल और हैप्पीनेस को जोड़ दिया जाए तो मतलब हमारा पूरा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे ही उस रिश्ते में थोड़ी सी खटास होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हम हमेशा डर जाएंगे और हमें अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमें लगेगा कि कहीं वो छोड़ देगा या छोड़ देगी तो हमारा क्या होगा, हम रह कैसे पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम उसके बिना रह नहीं सकते, वो अकेलापन काटने को दौड़ेगा, फिर उसके चक्कर में एंग्शियसनेस होगी, फिर ओवरथिंकिंग होगी, फिर डिप्रेशन होगा, फिर और परेशानी होंगी, फिर डिजीज़ होंगी बॉडी के अंदर। तो पहले हम समझते हैं एक एक करके कि पहले सर्वाइवल अगर हमारा किसी पर डिपेंडेंट है तो क्यों परेशानी होती है। ज़िंदगी में एक तो फैसला कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना सर्वाइवल किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड ना हो कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे देश में हाउसवाइफ्स की यही हालत है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो ऐसा लगता है कि अगर दूसरा इंसान छोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे, रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो अपना सर्वाइवल को इंडिपेंडेंट रखें, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। मतलब ज़िंदगी में कहीं फंस जाओगे, कोई परेशानी आएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अपने लिए हमेशा खड़े रह सकोगे, वरना क्या है, दूसरों पे डिपेंड रहोगे। और जब हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो दूसरा इस बात को समझ लेता है, और वो समझ लेता है, फिर वो मैनिपुलेट करता है, फिर वो झूठ भी बोलता है, वो अब्यूज़ भी करेगा, तब भी आप छोड़ के नहीं जा पाओगे। कोशिश करें इस डर को, इस डीप रूटेड लोनलीनेस के डर को आज निकाल के बाहर फेंक देते हैं। दूसरी बात, अक्सर हमारे रिश्तों में ऐसा होता है कि जो लोग सर्वाइवल, जिनका इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी खुशी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी खुशी का दारमदार सिर्फ एक रिश्ता हो चुका है, क्योंकि हमने सारी खुशी उसी रिश्ते के ऊपर डाल दी है, क्योंकि हमारी सारी खुशी हमें इसी से मिलती है। तो हम सब चीज़ें करते हैं इस इंसान के लिए, हम खुद को न्यौछावर कर देते हैं इस इंसान के लिए। मतलब जो उसको सही लगेगा बस वही करेंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा करते जाएंगे, देते जाएंगे। उसको अच्छा लगता है गिफ्ट तो उसको गिफ्ट देंगे, उसको अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना करूँ, मैं घर में बैठी रहूँ, तो वो करेंगे। हम क्या करते हैं, अपनी खुशी जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड कर देते हैं तो हमेशा उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, आपको वो बात हमेशा माननी ही पड़ेगी। और जैसे ही वो कहेगा कि मैं जा रहा हूँ इस रिश्ते से, आपको धमकी देगा, तो आप हमेशा डर जाओगे और अकेलेपन का डर फिर आपको काटने को दौड़ेगा, और आप फिर अपने आप को नछावर कर दोगे, फिर उसके पैर में गिर जाओगे और कहीं ना कहीं फिर परेशानी शुरू हो जाएगी। हम खुशियों की भीख मांग रहे हैं जाने अनजाने में। हम चाह रहे हैं कि आप हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर दो, हम खुश हो जाते हैं। आप एक मैसेज कर दो तो हम खुश हो जाते हैं, आप एक टेक्स्ट कर दो तो हम खुश हो जाते हैं, या मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती, मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिलती, आप चाहते हो किसी तरह वो देता रहे, बस आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होते रहें, और जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हो। तो हम ना रिश्ते में हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट नहीं करते, अब एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। एक रिश्ते में आप हैप्पीनेस को कभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जितना खुशी को खींचने की कोशिश करोगे, जितना मांगने की कोशिश करोगे, उतना डर हमेशा बना रहेगा। इसलिए एक्सप्रेस हैप्पीनेस, इन द सेंस बी हैप्पी इन योर सेल्फ। खुद के अंदर खुश रहना मुश्किल नहीं है, आसान है। चाय में जब पार्ले जी डुबो के खाते हैं तब भी तो खुशी का एहसास होता है ना। रात को अकेले मैगी बैठ के खाते हैं तो भी खुशी महसूस होती है। दोस्तों के साथ जब बात करते हैं, तफड़े मारते हैं, तो भी खुशियाँ महसूस होती हैं। अपना सारा का सारा दारोमदार खुशी का एक रिश्ते पर डालेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए कोशिश करें खुद खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो आसपास के सभी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। यू विल बी द एमपी सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। अपने अंदर खुशी ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि ज़िंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, खुद को इतना सीरियसली ना लें। ज़िंदगी कभी भी एंड हो सकती है, ये समझें इस बात को, और समझें इस बात को कि आप भी कंप्लीट हैं, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है कंप्लीशन के लिए। यू कंप्लीट इन योर सेल्फ। दूसरा अगर आ जाता है तो इट्स अ बोनस इन योर लाइफ, एड ऑन है, लेकिन वो आपको कंप्लीट नहीं करता है। तो आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतना ही है कि अगर अकेलेपन के डर से बाहर निकलें तो अपने अस्तित्व को किसी एक रिश्ते के साथ या किसी इंसान के साथ ना जोड़ें। आपके अस्तित्व में आपका सर्वाइवल है और आपकी हैप्पीनेस है। अपने साथ खुश रहो, खुद के साथ। आई होप इट मस्ट हैव हेल्प्ड यू। थैंक यू। वी शेयर, वी ग्रो।